हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड तूफान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यूरी विश्वासम पेटा एनटीआर मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि इंडिया में 1300 स्क्रीन में रिलीज हुई है, जिसका बजट 23 करोड़ बताया जा रहा है और उसका डे वन का कलेक्शन 7 करोड़ समथिंग आ रहा है, जिसको मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। हम उसके बाद यूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें विक्की कौशल, यामी गौतम और परेश रावल जैसे स्टार है, जिसका बजट 25 करोड़ बताया जा रहा है और इंडिया में ये 800 स्क्रीन में रिलीज हुई है, जिसका डे वन का कलेक्शन जो अब तक का आ रहा है वो 5 करोड़ आ रहा है। अब हम तमिल फिल्म की बात करने वाले हैं विश्वासम, जिसका बजट 90 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि ये तमिल हिंदी में रिलीज हुई है, जिसकी स्क्रीन काउंट 520 है, जिसे वर्ल्ड वाइड स्क्रीन काउंट 2500 स्क्रीन मिली है, जिसका डे वन का कलेक्शन था 26 करोड़ और डे टू का कलेक्शन 30 करोड़ बताया जा रहा है। इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 56 करोड़ टोटल बताया जा रहा है। ऑडियंस को ये मूवी ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए इसका कलेक्शन आगे जाके बढ़ेगा और ये हिट साबित हो रही है। अब हम रजनीकांत दलाइवा की फिल्म पेटा के बारे में बात करेंगे, जिसका बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है, जो वर्ल्ड वाइड 3000 स्क्रीन में रिलीज हुई है, जिसका डे वन का कलेक्शन 36 करोड़ आया था और डे टू का कलेक्शन 32 करोड़ बताया जा रहा है। इसी के साथ पेटा मूवी का कलेक्शन टोटल कलेक्शन 68 करोड़ हो रहा है। अब हम एनटीआर मूवी के बारे में बात करते हैं, जिसका बजट था 90 करोड़, जिसने डे वन को वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ कलेक्शन किया था और डे टू को 20 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ एनटीआर मूवी का टोटल कलेक्शन 42 करोड़ होता है। ये मूवी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए इसका कलेक्शन गिरता जा रहा है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।